देखिए आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए कुछ डायरेक्शंस आपको दी गई हैं, ठीक है। एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। एसर्शन रीजन में आपके पास चार ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि पहले में क्या होगा, एसर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसर्शन का, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हम देंगे। दूसरे ऑप्शन बी हम तब देंगे जब दोनों करेक्ट हो लेकिन रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हो। सी ऑप्शन तब देंगे जब एसर्शन हमारे पास क्या होगा, सही होगा और रीजन गलत होगा। और डी तब देंगे जब दोनों ही आपके पास, मतलब सॉरी, एसर्शन आपके पास इनकरेक्ट होगा और रीजन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें आगे वाले क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है उनके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 11, असर्शन आपको क्या दिया हुआ है, द वेल द वोल्टेज एंड करंट इन ए सीरीज एसी सर्किट आर गिवन बाय वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल टू आई नॉट साइन कोस ओमेगा टी, द पावर डिस्पेटेड इन द सर्किट इज जीरो। देखिए जो असर्शन आपको दिया हुआ है ये आपके पास सही है, क्यों, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस जो होगा वो 90 का बनेगा, क्योंकि एक कॉस है और एक साइन है। जब 90 का बनेगा तो पावर फैक्टर जो होता है आपके पास कोस फाई यानी कि कोस 90, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। रीजन, पावर इन एसी सर्किट इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है, पावर इसी तरह से दी जाती है वी नॉट आई नॉट, ये भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है।